अंजनथली में हमने विशेष इस बार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, अर्थात करनाल जिला अंजनथली, जिसमें बागवानी विश्वविद्यालय होगा। तो उस बागवानी विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमको सब्जियां और फल इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक अवसर ये मिलने वाला है। आज आपसे बात करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे, और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आजादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए और सुविधा होगी, और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। मित्रों, और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है, तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें, और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है, और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इसराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए, और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़
जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाए, इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे, तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी, ये उसके पीछे एक हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह, इनकी पहचान की गई है। हम FPOs अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बना रहे हैं। 1000 FPOs बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास FPOs ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक FPO में 300 किसान ये सदस्य होते हैं, तो हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन, और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस, ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। बहुत से हमारे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, बेर है, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% देते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये प्रतिशत जो है 85% तक हम करते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिताके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पोली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रोलिन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है, ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध, क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की, तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। मीडिया यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। जो हमारे किसानों के एक्सलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक, गुरुग्राम और रोहतक दोनों जगह, ऐसे ही जो फ्रूट्स का हमारा एक्सलेंस सेंटर है मांगियाना सिरसा, और इंटीग्रेटेड बागवानी विकास केंद्र पलवल और सुंदरा, इसमें बुकिंग करके और हम पौध जो है उस सप्लाई करते हैं। अभी हमने 2022-23 यानी पिछले वर्ष में ये जितनी भी स्कीमें हैं इसके अंदर लगभग 25,000 लाभग्रही, इनको 166 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है। जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं में 2022-23 के अंदर हमने लगभग 166 करोड़ रुपए की सहायता ये किसानों को दी है। इजराइल और हरियाणा, इसको मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जैसे हरियाणा की भूमि और जलवायु है, ऐसे ही इजराइल की भूमि और जलवायु ये भी लगभग समान है। तो समान एक प्रकार से सब पैरामीटर्स होने के नाते से हमको ऐसे देश के साथ जो इन चीजों में बहुत प्रगति कर चुका है उसके साथ ही हमें कोई अपने समझौते करके उनके तकनीक का उपयोग करना होगा। तो हमने इजराइल की सहायता से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसका हमको लाभ हो रहा है, चाहे वो फलों में, सब्जियों में, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, ये सब इजराइल की टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 14 ऐसे उत्कृष्ट केंद्र अर्थात एक्सलेंस सेंटर्स, ये सब एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए हैं।
अगले इस वर्ष में करंट ईयर में 223-24 में राज्य में 3 और नए एक्सलेंस सेंटर्स ये भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनंगवा नू और फूलों के लिए मुनिपुर झज्जर, यहाँ 3 स्थानों पर भी एक्सलेंस सेंटर ये बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार जो केंद्र हमारा शहद यानी प्रोसेसिंग का है रामनगर में, वहाँ ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग ये सुविधा सब उपलब्ध है। अर्थात हम शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए मधुमक्खी पालक अपना शहद और शहद के उत्पादों को अच्छा अपनी इच्छा अनुसार देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अवसर मिलेगा। हम साथ साथ इस केंद्र पर शहद की मूल्य वृद्धि के लिए शहद से बने हुए उत्पाद जैसे शहद मिल्क, शहद आइसक्रीम, शहद बिस्कुट व शहद की टॉफियां, इसको बनाने के लिए भी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र हमने बनाया है, ताकि वो प्रशिक्षण लेकर के और हमारे नौजवान स्टार्टअप्स के माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए ऐसी सब चीजों को उपलब्ध करा सकें और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मित्रों, आप लोग आगे बढ़ें। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हम प्राकृतिक साधनों का दोहन करें, इनका शोषण ना करें और प्राकृतिक साधनों के नाते से अपनी खेती की उपज इस प्रकार से करें कि जो हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे, हमारी आमदनी भी बढ़ाए और अपने जैसे किसान और भी बनाए। इतनी बात कह करके मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।